इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन शॉक। पहले हम लोग अभी पढ़ें फर्स्ट एड का डेफिनेशन, देखें उसके कॉन्सेप्ट को, देखें एम, देखें उसके बाद गोल्डन रूल्स, देखें फर्स्ट एड के जो भी गोल्डन रूल्स थे वो सारे देखें। अब देखेंगे, पढ़ेंगे इमरजेंसी ट्रीटमेंट और फर्स्ट एड इन शॉक। पहले देखेंगे शॉक होता क्या है। शॉक इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ सेलुलर एंड टिश्यू हाइपोक्सिया ड्यू टू आइदर रिड्यूस्ड ऑक्सीजन डिलीवरी, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजप्शन, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन और अ कम्बिनेशन ऑफ दिस प्रोसेसेस। शॉक जिसमें टिश्यूज या फिर सेल्स के पास ऑक्सीजन ना पहुंचे उतना जितना कि उनको जरूरत है। ऐसा होता क्यों है? जब ऑक्सीजन डिलीवरी रिड्यूस हो जाए, हमारी हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी हो, आयरन डिफिशियंसी हो, हीमोग्लोबिन कम हो, ब्लड कम हो बॉडी में, ब्लड ब्लीडिंग हो, कुछ ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो, ब्लड लॉस हो बॉडी से, तब उस टाइम पे ऑक्सीजन कैरियर नहीं रहता है और ऑक्सीजन कैरी कम होती है। या फिर ऑक्सीजन का ज़्यादा कंजप्शन हो, जैसे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ज़्यादा हो तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, जिससे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा हमें, टिश्यूज को नहीं मिलेगा, सेल्स को नहीं मिलेगा, या ये हो या फिर ये दोनों मिला के हो, तब भी शॉक होना है पेशेंट्स को। अब शॉक के टाइप्स देखेंगे। शॉक के टाइप्स होते क्या क्या हैं? हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। तो ये सारे शॉक हैं, शॉक के टाइप्स हैं। अब हाइपोवोलेमिक शॉक की बात करते हैं। हाइपोवोलेमिक शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट रिजल्ट्स व्हेन यू लूज मोर देन 20% ऑफ योर बॉडीज ब्लड और फ्लूइड सप्लाई। हाइपोवोलेमिक शॉक कैन लीड टू ऑर्गन फेल्योर। हाइपोवोलेमिक शॉक में होता क्या है? किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ, किसी विक्टिम का, या कोई कैजुअलिटी ऐसा है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, काफी चोट लगी और ब्लीडिंग उसको बहुत ज्यादा हो रही है, जिसमें कि 20% अप्रॉक्सीमेटली या मोर देन लगभग 20% या फिर 20% से भी ज्यादा, 20% से भी ज्यादा अगर उसके बॉडी से बॉडी फ्लूइड या फिर ब्लड का लॉस हो, तो उस टाइम पे उसके पास ऑक्सीजन कैरियर रहेगा नहीं, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी काफी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा, कैरी नहीं हो पाएगा बॉडी में, तो उस टाइम पे टिश्यूज और सेल्स के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेंगे, तो उसमें कभी कभी ऑर्गन फेल्योर भी होता है। और जब ऑर्गन फेल्योर होगा तो किसी किसी पेशेंट्स की डेथ हो जाती है, इसमें हैमरेज होता है, हैमरेज से कभी कभी पेशेंट्स की डेथ हो जाती है, ब्लीडिंग कभी कभी ज्यादा होती है जिससे शॉक लगता है पेशेंट की और पेशेंट को और पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसमें कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ इंटरनल है, कुछ एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मतलब जो विजिबल है, जिसे कोई भी देख सकता है, कोई भी जान सकता है, और इंटरनल का मतलब जो सिर्फ पेशेंट जानता हो, समझता हो। तो जो एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं, एक्सटर्नल हैमरेज के सिम्टम्स हैं जो कि विजिबल होते हैं, उनकी बात करें, हेडेक, फटीग, नौजिया, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, डिजीनेस, क्लैमी स्किन, पेल स्किन, रैपिड सैलो ब्रीदिंग, रैपिड हार्ट रेट, लिटिल और नो यूरिन आउटपुट, कन्फ्यूजन, वीकनेस, वीक पल्स, ब्लू लिप्स, लॉस ऑफ कंसियसनेस। द अबव सिम्टम्स आर ऑफ एक्सटर्नल हैमरेज विच आर विजिबल। तो ये जो ऊपर के अभी तक जो भी सिम्टम्स बताए हैं वो सब हैं विजिबल, जो कि किसी भी इंसान को दिख जाएगा, सिर्फ पेशेंट को ही नहीं, सबको पता रहेगा। उसके बाद से साइन एंड सिम्टम्स, इंटरनल हैमरेज इंक्लूड्स। कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि इंटरनल हैमरेज पे डिपेंड करते हैं। इंटरनल हैमरेज मीन्स जो कि सिर्फ पेशेंट को पता रहेगा। एब्डोमिनल पेन, ये सिर्फ पेशेंट ही जान पाएगा। ब्लड इन स्टूल, ब्लैक स्टूल, मेलेना, ब्लैक स्टूल मेलेना कहा जाता है। ब्लड इन यूरिन, वॉमिटिंग ब्लड, चेस्ट पेन, एब्डोमिनल स्वेलिंग, ये सब सिर्फ पेशेंट ही फील कर सकता है, पेशेंट ही जान सकता है, इंटरनल हैमरेज के सिम्टम्स हैं। अब इमरजेंसी केयर एंड फर्स्ट एड ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक।
अनट्रीटेड हाइपोवोलेमिक शॉक विल लीड टू डेथ. हाइपोवोलेमिक शॉक इज अ मेडिकल एमरजेंसी. कॉल 108 इमीडिएटली इफ यू ऑब्जर्व अ पर्सन एक्सपीरियंसिंग शॉक सिम्टम्स अंटिल रिस्पॉन्डर्स अराइव. पहले देखेंगे कि कोई पेशेंट है, अगर उसको हाइपोवोलेमिक शॉक है तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर ट्रीटमेंट सही टाइम पे ना दिया जाए तो उनकी डेथ हो जाती है, पेशेंट्स की डेथ हो जाती है. और अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट पेशेंट को मिल जाए तो वो बच भी सकता है. तो सबसे पहले तो फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाएं, किसी भी मेडिकल फैसिलिटी को बुलाएं वहाँ पे. और जब तक वो ना आ जाए, कोई मेडिकल फैसिलिटी ना मिल जाए पेशेंट को या विक्टिम या फिर कैजुअलिटी को, तब तक क्या करना रहता है बताते हैं. हैव द पर्सन लाई फ्लैट विद देयर फीट एलिवेटेड अबाउट 12 इंचेस. पेशेंट को लेटा दें, दोनों पैर के बीच में कम से कम 12 इंच का गैप हो, उससे ज़्यादा ना हो. सबसे पहले पेशेंट को लेटाएं और उसके पैर के बीच में जो गैप है वो 12 इंच ही रहे, उससे ज़्यादा नहीं उससे कम नहीं. रिफ्रेन, स्टॉप द पर्सन. रिफ्रेंस मीन्स पेशेंट को स्टॉप कर, रोकना कोई काम करने से. क्या करने से? फ्रॉम मूविंग द पर्सन इफ़ यू सस्पेक्ट अ हेड नेक और बैक इंजरी. अगर हमें ये लग रहा है कि पेशेंट के सर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है जिससे कि उसको ब्लीडिंग बहुत हो रही है, या फिर गले में चोट लगी है, या फिर पीठ के तरफ पीछे की तरफ बैक साइड में कहीं पे चोट लगी है जिससे ब्लीडिंग उसको बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पेशेंट को हम मूव करने से रोकेंगे. जैसे वो लेटा है वैसे ही उसको लेटा देंगे जितना अच्छे से हो सके, और पेशेंट को जितना हो सके उतना उसको रोकेंगे कि वो मूव ना करे वहां से, वो वहीं बैठा रहे, वहीं लेटा रहे. कीप द पर्सन वार्म टू अवॉइड हाइपोथर्मिया. हाइपोथर्मिया मीन्स डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर. तो पेशेंट को वार्म करते रहे. वार्म कैसे करना? हाथ और पैर को रब करना, रब करते रहे ताकि पेशेंट की बॉडी ठंडी ना पड़े, उसकी बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज ना हो, मेंटेन रहे. डोंट गिव द पर्सन फ्लूइड बाय माउथ. पेशेंट को, विक्टिम को कभी भी फ्लूइड माउथ से ना दें अगर एक्सीडेंट हुआ है तो. डोंट एलिवेट देयर हेड. रिमूव एनी डस्ट विजिबल ऑन डेब्रिस और डेब्रिस फ्रॉम द इंजरी साइट. अगर पेशेंट को चोट जहाँ पे लगा है वहाँ पे कुछ गंदा है, कुछ डस्ट है, कुछ डेब्रिस है, तो उसको विजिबल है अगर, तो उसको साफ कर दें, रिमूव कर दें. डू नॉट रिमूव इम्बेडेड ग्लास, अ नाइफ, स्टिक, एरो और एनी अदर ऑब्जेक्ट स्टक इन द वुंड. अगर चोट लगी है उसमें सीसा लगा हुआ है, एरो है, तीर है, चाकू है, स्टिक है कोई लगा हुआ है, तो उसको रिमूव ना करें, उसको वैसा ही लगा रहने दें. इफ़ द एरिया इज क्लियर. अगर जहाँ पे चोट लगी है वो एरिया क्लियर है, वहाँ पे कोई अदर फॉरेन पार्टिकल नहीं है, विजिबल नहीं है कुछ भी, तो वहाँ पे उसको कपड़े से, कोई कपड़ा अगर पेशेंट के पास है तो उससे उसको बांध दें, या फिर अपने पास है जैसे दुपट्टा हुआ, टॉवल हुआ, ब्लैंकेट हुआ, शर्ट हुआ. जैसे आगे देखेंगे क्या. इफ़ द एरिया इज क्लियर और डेब्रिस एंड नो विजिबल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट, टाई फैब्रिक सच एज शर्ट, टॉवल और ब्लैंकेट अराउंड द साइट ऑफ इंजरी टू मिनिमाइज ब्लड लॉस. ब्लड लॉस रोकने के लिए, कम करने के लिए, क्योंकि ब्लीडिंग होती रहेगी जब तक उसको प्रेस नहीं करेंगे. वहाँ पे प्रेशर दें उसको दबा करके, बांध करके कपड़े से. अगर प्रेशर देंगे तो ब्लीडिंग कम होगी, अगर प्रेशर नहीं देंगे तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी. अगर उसको बांध देंगे तो ब्लड लॉस कम होगा. जितना हो सकेगा उसको अच्छे से बांधें और ब्लड लॉस होने से बचाएं. अप्लाई प्रेशर टू द एरिया इफ़ यू कैन टाई और टैप द फैब्रिक टू द इंजरी. उसको बांधने के बाद जो भी फैब्रिक बांधे हैं, जो भी कपड़ा बांधे हैं, उसके बाद से वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करें. तो ये है हाइपोवोलेमिक शॉक का ट्रीटमेंट. अब अगला है कार्डियोजेनिक शॉक. कार्डियोजेनिक शॉक अकर्स व्हेन द हार्ट इज अनेबल टू सप्लाई इनफ ब्लड टू द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. जब हार्ट कार्डियोजेनिक है तो इसमें हार्ट की बात होगी. जब हार्ट अनेबल रहता है, डिसेबल रहता है, जितना ज़रूरी है हम लोगों के ऑर्गन्स को जितना भी ऑक्सीजन चाहिए वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है, नहीं दे पा रहा है ऑक्सीजन, सप्लाई नहीं कर पा रहा ऑक्सीजन का,
तब उस समय जो शॉक होता है उसको कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द फेल्योर ऑफ हार्ट टू पंप इनफ न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी, ब्लड प्रेशर फॉल्स एंड ऑर्गन में बिगिन टू फेल। जब ऑक्सीजन लेवल कम होगा, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ऑर्गन फेल्योर की टाइमिंग आ जाएगी और पेशेंट्स की कभी कभी डेथ हो जाती है। इसके साइन एंड सिम्टम्स देखें। साइन एंड सिम्टम्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फर्स्ट एडर के लिए, और सबसे अच्छा सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये रहता है कि वो पेशेंट का जो भी सिम्टम है उसको रिकग्नाइज कर ले। ठीक, सिम्टम्स में इंक्लूड द फॉलोइंग: कन्फ्यूजन एंड एंजाइटी, स्वेटिंग एंड कोल्ड, एक्सट्रीमाइटीज लाइक फिंगर्स एंड टोज, रैपिड बट वीक हार्ट बीट, लो और एबसेंट यूरिनरी आउटपुट, फटीग, सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फेंटिंग और डिजीनेस, कोमा, चेस्ट पेन या हार्ट अटैक। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। द कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर CHF, पेशेंट्स आर प्रोवाइडेड मेडिसिन टू इंक्रीज द हार्ट बीट फोर्स, एंड अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक शुड अंडरगो कार्डियक कैथेटराइजेशन, अ सर्जरी फॉर अनब्लॉकिंग द ब्लॉक्ड आर्टरी। If all the treatment fails, in severe cases, mostly a heart transplant may also be required. जब सारे treatment fail हो जाते हैं तब heart transplant किया जाता है। अब तीसरा shock है septic shock. Sepsis is the result of an infection, causes drastic changes in the body. It can be very dangerous and potentially life-threatening. It occurs when chemical that fight infection by triggering inflammatory reactions and released into a blood stream. तीन स्टेजेस हैं। There are three stages of sepsis. Sepsis is when the infection reaches the blood stream and causes inflammation in the body. Severe sepsis is when the infection is severe enough to affect the function of your organ, such as the heart, brain and kidney. Septic shock is when you experience a significant drop in blood presence, a pressure that can lead to respiratory or heart failure, stroke, failure of other organs and death. Symptoms dekhenge iske: fever higher than 101 डिग्री फॉरेनहाइट, लो बॉडी टेम्परेचर जिसको हाइपोथर्मिया कहते थे, इसमें टेम्परेचर हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, फास्ट हार्ट रेट, रैपिड ब्रीदिंग और मोर देन 20 ब्रीथ्स पर मिनट। सिम्टम्स ऑफ सीवियर सेप्सिस इंक्लूड: जब सेप्सिस बहुत ही ज़्यादा हो जाए फिर क्या होता है सिम्टम्स? लोअर अमाउंट ऑफ यूरिन, एक्यूट कन्फ्यूजन, डिजीनेस, severe breathing problem, bluish discoloration of the diseases or lips, cyanosis जिसको कहते हैं। ट्रीटमेंट देखें इसका। Once sepsis is diagnosed, you will most likely be admitted to an intensive care unit ICU for treatment. Doctors use a number of medications to treat septic shock, including intravenous antibiotics to fight infection, vasopressor medications which are drugs that constrict blood vessels and help increase blood pressure, insulin for blood sugar stability, corticosteroids, for example betamethasone, prednisone, prednisolone, etc. अब चौथा है anaphylactic shock. This type of shock occurs due to severe hypersensitivity or allergic reactions caused by same medicine, food items, insect sting, etc. When the allergic people are exposed to something they are allergic to,
दे में एक्सपीरियंस अ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन कॉल्ड एनाफाइलेक्सिस. एज अ रिजल्ट देयर इम्यून सिस्टम रिलीजेज केमिकल्स दैट फूड द बॉडी दैट फ्लड द बॉडी. दिस कैन लीड टू एनाफाइलेक्टिक शॉक. सिम्टम्स: नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, डिफिकल्टी इन स्वलोइंग, स्किन रिएक्शन, हाइव्स, फ्लश्ड स्किन और पेलनेस, सडनली फीलिंग टू वार्म, अ वीक और रैपिड पल्स, रनी नोज एंड स्नीजिंग, स्वॉलन टंग और लिप्स, वीजिंग और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, टिंगलिंग हैंड्स, फीट, माउथ और स्काल्प, कन्फ्यूजन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. एनाफाइलेक्टिक शॉक के ये सारे सिम्टम्स हैं. अब ट्रीटमेंट देखेंगे. द फर्स्ट स्टेप फॉर ट्रीटिंग एनाफाइलेक्टिक शॉक विल लाइकली टू बी इंजेक्टिंग एपिनेफ्रिन, एड्रिनालिन जिसको कहते हैं, इमीडिएटली. दिस कैन रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन. यू मे ऑल्सो रिसीव ग्लूकोकार्टिकॉइड एंड एंटीहिस्टामिन्स इंट्रावेनसली. दीज मेडिकेशंस हेल्प टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन द एयर पासेजेस, इम्प्रूविंग योर एबिलिटी टू ब्रीथ. योर डॉक्टर मे गिव यू बीटा एगोनिस्ट सच एज अल्ब्यूटेरॉल टू मेक ब्रीदिंग इजियर. पांचवा है न्यूरोजेनिक शॉक. न्यूरोजेनिक शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज्ड बाय इररेगुलर ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी. ट्रॉमा और इंजरी टू द स्पाइन कैन कॉज दिस डिसरप्शन. न्यूरोजेनिक शॉक इज एक्सट्रीमली डेंजरस बिकॉज इट कैन कॉज योर ब्लड प्रेशर टू ड्रॉप drastically and suddenly and can leave irreversible damage to your body tissues. Symptoms: dizziness, nausea, vomiting, blank stares, fainting, increased sweating, anxiety, pale skin, chest pain, difficulty in breathing, weakness, faint pulse, cyanosis, hypothermia. ट्रीटमेंट देखेंगे. योर डॉक्टर विल गिव यू फ्लूइड्स इंट्रावेनसली टू रेगुलेट योर ब्लड प्रेशर. इफ योर ब्लड प्रेशर इज टू लो यू मे बी गिवन वैसोप्रेसर्स, फॉर एग्जाम्पल नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामिन, वैसोप्रेसिन.